कोई माल आया, यहाँ से हमने हुक लगाया और ये लेके हमने टांग लिया। टांग के इसे फटाफट उधर, ये देखिए इधर हमने कर दिया। इसमें इमरजेंसी स्विच तो है ही, अगर ये ज़्यादा ऊपर उठ जाएगी तो उसमें टकरा के रुक जाएगी। देखिए ये मैं पूरा उठा के दिखा रहा हूँ, अपने आप रुक जाएगी, बटन दबा के रखा है मैंने। अब ये उससे आगे टच होने पे अपने आप बंद हो गई। जूम करके दिखा देना, एकदम देखिए एकदम बंद हो गई। और नीचे करने पे फिर चालू हो जाएगी, यानी ऊपर करेंगे तो टच होके देखिए बंद होगी कैसे। मैंने बटन ये चालू रखा है, दबा रखा है, ये ऊपर का काम नहीं कर रहा, पर ये नीचे का काम करने लग जा रहा है। तो बहुत ही ये बटन से ही बाहर जा सकती है, खींचो, ये हम बटन से देखिए बाहर जा रही है, ये देखिए बटन से बाहर जा रही है, पर हम बटन नहीं दबाएंगे तब भी बाहर जाएगी इस क्लच के कमाल से। देखिए ये बहुत ही पसंद की जाने वाली चीज़ है, और ये टेक्नोलॉजी आप कहाँ यूज करना चाहते हैं एकदम आपका दिमाग जानता है। और आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, बस मेरे पास आपका संदेश पहुँच जाए, बाकी सोल्यूशन मैं कर दूँगा। ये देखिए खेचो, ये देखिए किस तरह से आगे जा रही है, फिट करके रख रखा है ऑलरेडी, और ये यहाँ से घूमता भी है। देखिए ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा तो ये घूमता है। देखिए इसके अंदर ज़्यादा वजन नहीं है, 12-13 किलो वजन है पूरे फ्रेम में, और हम इसको ऊपर कस, यानी छोटे मोटे वर्क करने के लिए बहुत ही अच्छा है ये हैं। और डेमो करके दिखाते हैं, इसे लगाओ ऊपर। ये प्रोसेस याद रखना किस तरह से क्या वर्क करना है, वो पूरा सिस्टम हमने फिट कर दिया और उसका वो हुक ऊपर नट बोल्ट फंसाया है और उसमें फंसा दिया। अब दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव कुमार मशीन वाला का भी मेरे YouTube चैनल में आज ही स्वागत है। एक्साइटेड हो जाइए, बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन लेके आया हूँ। हमेशा आपके कमेंट आते थे कि सर ये थोड़े हर कम बजट में एक मंकी लिफ्ट दिखाइए, कम बजट में, हमारा बजट नहीं बन रहा 60,000-70,000 1.5 लाख रुपये तक खर्च करने का, हमारा छोटा काम है तो उसके लिए एक छोटी सी कम बजट की मशीन दिखाइए। तो देख पा रहे होंगे बहुत ही कम बजट की एक मंकी लिफ्ट हमने तैयार करी है आपको। मंकी लिफ्ट आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए एक ये हमारी ऊपर है, जूम करके दिखाओ, बड़ी मंकी लिफ्ट है, दो वहाँ लगी हैं उन्हें भी जूम करके दिखाओ, इन्हें ही मंकी लिफ्ट कहते हैं। अगर आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और उनमें लेबर की बचत करनी है, सीढ़ी के सहारे लेबर थक जाती है, तसला से माल ढोते रोटे, सीमेंट ढोते धोते, और बहुत टाइम भी वेस्ट होता है और आपको बिजनेस में लॉस होता है, जो काम 10 दिन में होना चाहिए वो महीनों लग जाता है, उसके लिए ये टेक्नोलॉजी और ये मशीनरी बहुत ज़रूरी है। वीडियो के लास्ट तक बन रही है, ऐसी धासु जानकारी दूंगा जो कि आपके अंदर आग लगा देगी और एकदम आप कहेंगे कि कितने दिन से मैं मिस्टेक कर रहा था। तो उससे पहले हम हरी का नाम लेंगे, तब देखिए और ज़्यादा आप एक्साइटेड हो जाएंगे। तो सबसे पहले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री कृष्ण और राधे राधे का नाम लेते हुए, बंसी बजैया का नाम लेते हुए वीडियो के लास्ट तक बन रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी दूंगा और एकदम रुवासा मत होइए, आपके साथ हमेशा संजीव कुमार है, आपको एकदम खुश रखेगा और आपके बिजनेस में कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी लाता ही रहेगा। टेक्नोलॉजी हमारी सारी चीज़ें आसान करती है, टेक्नोलॉजी को आप अच्छे तरीके से यूज करें तो एकदम बुलंदियों पे पहुंच जाएंगे और अपने काम में अपने बिजनेस में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिखाएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बन रही है। ये सारी PA सीरीज की मोटरें हैं जिसको हम उल्टा लटका देते हैं और फिर वर्क करते हैं, ये बहुत ही लो कॉस्ट की है, मैं आपको एक एक करके जानकारी दूंगा। ये जिसे आप ढूंढ रहे थे वो चीज़ें यहाँ मिलेगी मशीन वाला में, और इसे हमने ये फिट करके एक ये मंकी लिफ्ट बनाया है और मैं इसे डेमो करके भी दिखाऊंगा किस तरह चलाते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बन रही है। ये हमें इसको देखिए, ये हमने फिट करके रख रखा है ऑलरेडी, और ये यहाँ से घूमता भी है। देखिए ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा तो ये घूमता है, देखिए ये घूम रहा है हल्का सा, अभी ये एकदम कसा हुआ नहीं है। ये चार सुराग देख पा रहे होंगे, चार सुराग इधर है, चार सुराग इधर है। तो इसे आप फास्टनर लगा के दीवार में फिट कर सकते हैं या छज्जे में फिट कर सकते हैं, या इसको उसमें बोल्ट वेल्डिंग करके नट बोल्ट टाइट कर सकते हैं, या यहाँ पे वेल्डिंग कर देंगे लगा के यहाँ पे, और ये आपकी मंकी लिफ्ट बन जाएगी छोटी सी। कैसे बनेगी मैं दिखाऊंगा, हमने इसकी तैयारी कर रखी है क्योंकि हमारे पास इस तरह का कोई दीवार नहीं है, तो हमने अपने खंभे में वो देख पा रहे होंगे दो चैनल वेल्डिंग कर दिए चार चार सुराख करके, उसी में टाइट करके मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा। तो उससे पहले हमें मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से इसे फिट करते हैं, तो उसके लिए क्या है, वीडियो के लास्ट तक बन रही है, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग मिली है, तो बीच में ही सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए कि हमेशा आप लोगों के हमारे रिश्ते ये बने रहेंगे। जी सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब करने का मतलब आपने मुझे अपना दोस्त बना लिया और हमेशा अपने सेवा में लगा के रखेंगे, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को,
फिर मैं आपसे जुड़ जाऊंगा, और कभी भी कोई सी नई वीडियो आएगी या कोई भी टेक्नोलॉजी आएगी तो आपके सामने हमेशा हाजिर रहूंगा ये वाला चेहरा लेके। तो वीडियो के लास्ट तक बन रही है, ये तो चलता रहता है। ये देखिए इसके कितने पार्ट्स हैं, इसके देखिए ये एक पार्ट्स ये है, एक ये है और ये है, और कुछ इसके ये है। एकदम जूम करके दिखाना सही से, मैं इसे कस के भी दिखाऊंगा कैसे कैसे कसते हैं। ये देखिए ये पार्ट्स हैं इसके, और कुछ इसके ये नट बोल्ट भी हैं जो कि हमने यहाँ ऑलरेडी रख रखा है। इसे हम जब भी देंगे तो आपको ये इतना पार्ट्स जरूर देंगे। चाबी पाने नहीं होते हैं, नट चाबी पाने और लेने होते हैं अपने खुद ही, या फिर आप डिमांड करेंगे तो यहाँ मिल जाएंगे, उसके कुछ चार्जेस लगते हैं। तो ये इतने पार्ट्स हैं। तो ये देखिए कैसे कैसे कसा हुआ है, ये पार्ट्स जो देख पा रहे होंगे, देखिए ये पार्ट्स हमने यहाँ कसा हुआ है नीचे की तरफ। ये देखिए ये पार्ट्स हमने यहाँ कस रखा है नीचे की तरफ, और ये पार्ट्स हमने कस रखा है ऊपर की तरफ। देखिए एकदम सही से ला के नज़दीक से दिखाना। अब इसे मैं कस के भी दिखाता हूँ, लाओ इसे कस के दिखाओ, जल्दी जल्दी आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हम कस के दिखाएंगे। तो कसने से पहले हम क्या है, आप चाहो तो पहले इसे कस सकते हो वहाँ पे, उसके बाद ये बाकी के पार्ट्स कस सकते हो, लेकिन हम नीचे ही कस के हैं। इसके अंदर मात्र 12-13 किलो वजन है, तो हम नीचे ही कस के इसे टांगेंगे। देखिए लाओ भी इसमें कसो, वो नीचे का पार्ट्स है और एक ऊपर का पार्ट्स है। फटाफट बोल्ट फंसा के हमें छोड़ देना है, बस दिखाई दे, दिखाओ किस तरह से। ये देखिए ये बोल्ट फंस गया, आप उधर का दिखाओ, एक एक बोल्टों पे ध्यान दीजिएगा किस तरह से कसे जा रहे हैं। ये देखिए ये भी कस गया, और कसते समय हमें ध्यान रखना है ये वाला हिस्सा। देखिए ये देखिए ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रहे, और इसका भी ये पिन वाला हिस्सा, देखो यहाँ पे सुराख दिखा दो जूम करके, ये ऊपर की तरफ रहे। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे लगाना है, देखिए इस तरीके से इसे ऐसे लगाना है, ये सुराख नीचे की तरफ रहे, ये यहाँ लग गया, और इसके अंदर ये वाशर डालना है। दिखाओ, ये दिखाते रहो सब चीज़ें, ये एक वाशर है, ये डाल के, ये चीरा पिन है, इस तरह का चीरा पिन होता है, ये डाल के हम ऐसे डाल के, और इसको हम ऐसे मोड़ देंगे तो ये निकलेगा नहीं। और इसके अंदर ये पत्ती है, देखिए ये पत्ती हल्की सी टाइट भी हो जाती है, तो ये क्या है, ढलाई का होता है, ठोक दो हल्की सी, ये पत्ती हमें यहाँ पे ठोक देनी है हल्की सी। देखिए ये फिक्स इसके अंदर घुस गई, देखिए इधर ला के दिखाओ सामने से, ये पत्ती यहाँ पे घुस गई, देखिए ये घुस गए। हम फिर इसमें चीरा पिन डाल दो, चीरा पिन डाल देंगे, और उसके बाद ये हम बाहर निकालेंगे। ये देखिए इतना लंबा है, ये इसमें दो सुराग है, एक सुराग ये बाहर की तरफ आ जाएगा, एक सुराग यहाँ है। आप इस तरह से लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, इस तरह से लगाना है। और ये लगाते समय हमें ध्यान रखना है, ये बोल्ट हमने नीचे से डाला और ये हमने वहाँ ऊपर निकाल दिया और इस पत्ती में लगा दिया, इसे कस दो, ये कस गया। अब इसको एकदम सीधा करने के लिए क्या है, एक आदमी इसको ऐसे टांग लेगा, देखिए हमें क्या है, ये इससे ऊपर रखना है, ये ध्यान रखना है एकदम सीधा रहे। सामने से लाओ, यहाँ ला के दिखाओ कैमरा, ये सामने से एकदम ये सीधा दिखना चाहिए, इधर सामने से देखो, सामने खड़े हो जाओ इधर, हाँ ये एकदम सीधा दिखना चाहिए। नज़र मार के हम यहाँ से देख लेंगे, ऐसे यहाँ से हम नज़र मार के देख लेंगे, ये एकदम सीधा है और ये नीचे लटका हुआ है। फिर उसके बाद ये वोल्टेज की सारी हम कस देंगे। अब उसे नीचे रख दो, यहाँ रख दो, इसकी सीढ़ी लेके आओ, सीढ़ी लेके आओ। ये हमने ऑलरेडी एक कस के रख रखा है कि टाइम की बचत हो, वो बस ढिलाई छोड़ देंगे। आपको डेमो करके दिखा दिया, वीडियो के लास्ट तक बन रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी दूंगा। ये देखिए ये सीढ़ी लेंगे, क्योंकि ये नन्हे मुन्ने बालक है, वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, लंबाई हमारी उतनी नहीं है 10 फुट की, तो जितनी ऊपर रहेगी उतना अच्छा रहेगा, नीचे से सामान जो भी जाएगा बेस्ट तरीके से मूव हो सकता है। तो हम सीढ़ी लगा के और उसके 8 वोल्ट पहले ही रेडी रखेंगे, और पहले हम ऊपर फंसा देंगे और उसमें फंसा देंगे। देखिए इसके अंदर ज़्यादा वजन नहीं है, 12-13 किलो वजन है पूरे फ्रेम में, और हम इसको ऊपर कस देंगे, दे दो भी। ये देखिए
चढ़ जाओ चढ़ जाओ, इधर से दिखाओ सामने से। हाँ ये देखिए बोल्ड कैसे फंसाया जा रहा है। सब अपने अपने टेक्निक से ये चीज़ें कर सकते हैं। अभी ये हम अपनी टेक्निक कर रहे हैं, आप इसको चाहे तो वेल्डिंग करवा सकते हैं या पहले ही कसवा लेंगे। ये फास्टनर लग के भी कस जाएंगे, पर ये बोल्टें हम लगा रहे हैं। जूम करके दिखा देना, चारों बोल्ट टाइट कर दो। चारों बोल्ट टाइट कर दो, दे दो सारे बोल्ट। और टाइट करके क्या है, किस तरह से इसको हम कस के दिखाएंगे हम आपको। आप इसके पीछे देख पा रहे होंगे वो कस रहा है, जब तक मैं इधर दिखाता हूँ। ये सबसे छोटी मोटर है जो हमारी PA 500 है, PA 800 है ये। और इसका ये हुक होता है, देखिए ये हम इसमें पहले ही फंसा के रखेंगे। ये जूम करके दिखाओ, ये देखिए चाबी हम रेडी रखेंगे और इसको हम यहाँ पे देखिए इस तरह से फंसा के रखेंगे। ये टाइम की बचत हो जाए, बहुत ही कीमती टाइम है आपका। और इसके अंदर ये वाशर वगैरह हम लगा लेंगे, देखिए एक ऊपर स्प्रिंग वाशर लगा के फिर प्लेन वाशर लगा लेंगे और इसमें हम बोल्टों को ये फंसा देंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी दूंगा। ये देखिए ये हम इस तरह से फंसा रहे हैं और इसकी चाबी ले लेंगे हम, इसकी 13-14 की चाबी भी देना जब तक भाई। ये देखिए इसके दोनों हुकों को यहाँ पे रेडी रखते हैं फंसा के, ये आपका काम फटाफट हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान है, ये सब इंजीनियर तो हम पैदाइशी इंजीनियर होते हैं, कुछ हम बन जाते हैं अपने गुरुजनों से सीख के। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ये देखिए ये सब मशीनों में इसी तरह का प्रोसेस है। ये स्टैंड हमने अभी लॉन्च किया है जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, कम बजट में एक मंकी लिफ्ट बना सकते हैं आप। ये देखिए ये कस गया, अब ये जो पीस कस गया है हमें क्या करना है, डायरेक्ट उसके अंदर लेके लगा देंगे। तो पहले हम इसको हल्का हल्का कस लेंगे, फुल टाइट हम वहीं पे करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बन रही है, एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी मिलेगी। और ये सबके साथ सबका सामान है, देख पा रहे होंगे हमने यहाँ रख रखा है। ये इसके साथ है, ये जो थोड़े से बड़े होते हैं उनके साथ डबल हुक आते हैं, ये तो सबके साथ सिंगल हुक आता है। ये देखिए और एक एक करके नॉलेज दूंगा, चला के भी दिखाऊंगा किस तरह से ये वर्क कर रही है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और हमेशा पॉजिटिविटी थिंकिंग रखिए, रुमासा मत होइए। जहाँ से भी नॉलेज मिलती है बस उठा लीजिए, नॉलेज ऐसी चीज़ है जिसको जितना भी भरते रहो पेट नहीं भरने वाला। खाना वगैरह खा लेंगे तो पेट भर जाएगा, फट जाएगा, पर नॉलेज ऐसी चीज़ है वो हमें पावरफुल बनाता है, वही शक्तियाँ होती हैं। तो ये देखिए किस तरह से कस गया, एकदम अच्छी तरह से कस जाएगा। और ये आपको मैं जब तक ये भी दिखा देता हूँ वो कस रहा है, ये आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर दो बटन है अप एंड डाउन का। ये सभी पीए सीरीज में ये हैवी हल्की हर तरह के हैं, आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेके इस बोर्ड लाइन नंबर पर कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते। पर इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे अप डाउन लेफ्ट राइट चार चार बटन दिख रहे होंगे, नज़दीक से दिखा देना एकदम जूम करके। वो इसलिए है कि ये इसका अटैचमेंट है, एक इसके अंदर मोटर और है एक्स्ट्रा, देख पा रहे होंगे इसकी मैं दिखा देता हूं आपको ये किस तरह से यूज करेगी। इसके अंदर रोले लगे हुए हैं और गियर भी है जो कि हम इस तरह से ये ऊपर टंग जाती है। और टंगने के बाद क्या है, इसका जो ये कनेक्शन है हम इसमें ये लगा देंगे यहाँ पे। अब ऊपर लगा देंगे तो इस रिमोट का कमाल देखिए, अप एंड डाउन के लिए तो इस बार ये वाली मोटर चलेगी, यानी माल को नीचे ऊपर उठाने के लिए, और ये राइट एंड लेफ्ट के लिए ये चलेगी। मैं इसको लाइव डेमो करके चला के दिखाता हूँ, वीडियो के लास्ट तक बन रही है। आ जाओ दिखा देते हैं हम, एकदम फैक्ट्री में लाइव चलता हुआ दिखाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं डिटेल में नहीं समझाता मुझे खुद तसल्ली नहीं होती है, बाकी चीज़ें तो बाद में है। और देखिए किस तरह से फैक्ट्री में लाइव काम हो रहा है, हर तरह की मशीनें तैयार मिलेंगी आपको, देख पा रहे होंगे ये कैसे मशीनें पेंट हो रही है हर साइज की। वीडियो के लास्ट में ये देख पा रहे होंगे ये फैक्ट्री में ले आया मैं दूसरी साइड में अपने, जहाँ पे वर्क होता है। देखिए यही वो मशीन है जो मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से फिट करी हुई है, एकदम जूम कर करके दिखा देना। और इसके अंदर देखिए सेम अप डाउन ईस्ट वेस्ट हर तरह का ये इसमें लिखा हुआ है। अब हम अप करेंगे तो देखिए किस तरह से ये अप होगा, देख पा रहे होंगे किस तरह से ऊपर जा रहा है एकदम लाइव, और डाउन करेंगे तो डाउन होगा। ये देखिए डाउन का बटन दबा रहा हूँ
और साथ में हम लेफ्ट राइट ले जाएंगे। देखिए मैं अप का भी दबा रखा हूँ और ये ईस्ट वे उधर भी जा रही है, ये देखिए दोनों तरफ का काम कर रही है। और ये हम डाउन कर रहे हैं, देखिए ये डाउन हो रही है किस तरह से, ये यानी ये इस तरह के वर्क हैं। फैक्ट्री से हम यहाँ से वहाँ तक ले जा सकते हैं, देखिए ये किस तरह से ये जा रही है, देखिए ये देखिए किस तरह से जा रही है। ये अपने हिसाब से हम गार्डर लगा के दोनों तरफ से दिखाओ, उस साइड से भी दिखाओ, जूम करके दिखाओ किस तरीके से ये वर्क हो रही है। देखिए थोड़ा सा वीडियो साफ नहीं आ रहा होगा, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, पर ये देखिए हमें जिस भी ढक्कन में जहाँ लगाना है या इस पीस को जहाँ भी शिफ्ट करना है वहाँ हो जाएगा। और ये देखिए हम इसे वापस उधर ले जाएंगे, देखिए ये वही वर्क करती है, इसलिए दो मोटरें होती हैं इसके अंदर और ये अप डाउन सारा काम करती है। देखिए ये हम लेके आ गए, ये आपका किसी भी तरह का प्रोजेक्ट हो, बड़ा प्रोजेक्ट हो छोटा प्रोजेक्ट हो, लोहे को इधर से उधर करना हो या किसी पीस को इधर से उधर करना हो, इस तरह का सिस्टम लगा के खुद बना सकते हैं। ये कुछ नहीं है, गार्डर है, एक गार्डर में लगा हुआ है, ये देखिए डाउन भी कर रहा हूँ। तो यही वो चीज़ है जो मैं दिखाया आपको, वो उसी काम में आती है। एकदम वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, हमेशा जो भी जानकारी मैं देता हूँ आपको वो एकदम लाइव देता हूँ, एकदम वीडियो के लास्ट तक बन रही है। लाइव में वीडियो ब्लॉग बनाता हूँ एक तरह से, सब अपने फैमिली का दिखाते हैं, हमारी फैमिली ये कर रही है, हमारे बच्चे ये कर रहे हैं, आज हम यहाँ टूर पे घूम रहे हैं हम वहाँ पर। यहाँ मशीन वाला बस आपको नॉलेज देगा और बिजनेस देगा और आपको बिजनेस में प्रोग्रेस देगा, जिससे कि वो जो टूर पे घूमते हैं या बच्चे खुश रहते हैं या वाइफ प्यार करती है या गर्लफ्रेंड प्यार करती है, उसका जरिया आपके पास देगा महालक्ष्मी जी के दर्शन जी। अगर हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, सबके प्रोजेक्ट काम करके टाइम से देंगे, सारे जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं टाइम से देंगे, तो लक्ष्मी जी हमारे पास पधारेंगी, तो सबके पास खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो ये मेरा ब्लॉग है, बस आप लोग ही मेरे मेन फ्रेंड्स हैं। और ये देखिए किस तरह से फैक्ट्री में वर्क हो रहा है, हर तरह की मशीनें बनती रहती हैं एकदम, जो कि मैं आपको दिखाता रहता हूँ एकदम लाइव। RM 1050, RM 800 और ये टू लेग लिफ्ट मशीन सेल्फ ड्राइव भी जाने के लिए तैयार है, यहाँ पे खड़ी है, देखिए किस तरह से वर्क हो रहा है। और ये हम आ गए यहाँ पे, देखिए ये किस तरह से फिट हो गया है। अब ये फिट होने के बाद दिखाओ, उधर बाहर से दिखाना, ये देखिए कैसे मूव हो रही है, यानी एक मंकी लिप की तरह ये काम करेगी आपकी, ये देखिए किस तरह से घूम रही है, यानी छोटे मोटे वर्क करने के लिए बहुत ही अच्छा है ये देखिए। अब इसको क्या है, ये PA सीरीज को यहाँ लगा के दिखाएंगे हम आप, ये देखिए इसे लगा के दिखाओ, हाँ उसको इसमें फंसा दो लेके। हम देखिए लगा के भी दिखाते हैं और डेमो करके दिखाते हैं, इसे लगाओ ऊपर। ये प्रोसेस याद रखना किस तरह से क्या वर्क करना है, वो पूरा सिस्टम हमने फिट कर दिया और उसका वो हुक ऊपर नट बोल्ट फंसाया है और उसमें फंसा दिया, अब उसे टाइट कर दो चढ़ के ऊपर। और कभी भी ध्यान रखना आप ये रस्सा इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, सबसे ज़्यादा तो इधर ही रखना है, जिससे क्या है लोड यहाँ पे पड़ेगा, उधर की तरफ ज़्यादा सिरे पे नहीं पड़ेगा। पर आपका जो मटेरियल है, सपोज कीजिए ये जो माल आप उठा रहे हैं, माल का साइज क्या है, बॉक्स का साइज क्या है, दीवार में अड़ेगा तो नहीं, पर फिर भी बहुत ज़्यादा जगह है यहाँ पे। मैं इंची टेप से भी नाप के दिखा दूंगा, इंची टेप है जेब में किसी के, अगर हम नाप के देखें इस हुक के सीध में, तो यहाँ पे कम से कम जगह जो आ रही है 1 मीटर से प्लस में आ रही है, यानी 3.5 फुट के, वो 3.5 फुट के लगभग में आ रही है यहाँ से, और इतना बड़ा कुछ चीज़ होता भी नहीं है, तो बहुत ही आसानी से ये जाएगी। और मैं इसे अब चालू करके लाइव डेमो करके दिखाता हूँ। इसके लिए सप्लाई देना सिंगल फेज की, यहाँ पे कंबाइन बॉक्स दीजिए। वीडियो के लास्ट तक बन रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है, कम बजट का सौदा है, एकदम आप एक्साइटेड हो जाएंगे इसके रेट के बारे में जान के। और कुछ भी डिटेल में जानकारी हो तो प्लीज़ इस बोर्ड लाइन पर कॉल कीजिए, और एकदम लास्ट तक बने रहिए। इसे खोल दो, इसके पाइप ये तारों को खोल दो, नीचे रखो बॉक्स को, हाँ ये तो लंबा हो जाएगा। इसके तार जो क्या है, अभी तो मैं टेम्परेरी दिखा रहा हूँ, हम क्या करेंगे यहाँ से तार ले लेंगे और ऊपर ही ऊपर वहाँ मोटर में फिक्स कर देंगे, और इसका रिमोट नीचे को लटक जाएगा। ये टाई बेल्ट काट दो दोनों, ये देखिए रिमोट यहाँ तक आ गया हाथ में। इसके अंदर एक इमरजेंसी स्विच भी है, इमरजेंसी स्विच है इसके अंदर, और वहाँ पे लिमिट स्विच है, जैसे ही वो उठेगा
वो हो जाएगा। उसकी पन्नी खोल देना रस्से में से भाई, इधर घुमाओ और मेरी तरफ। तो देख पा रहे होंगे ये हमने फिट कर लिया है। अब ये क्या है, मोटर आगे पीछे भी हो सकती है। हाँ, इसे मोटर आगे पीछे करके दिखाओ ज्यादा नहीं। हाँ, तो ये निकलने का भी खतरा रहता है। तो पर एक बोल्ट और है इसका, वो बोल्ट टाइट कर दो उसमें। देखिए जूम करके दिखाओ कहाँ पे बोल्ट टाइट हो रहा है। ये वहाँ पे लगा के और वहाँ पे ये ऊपर को आ गया, देखिए, और वहाँ पे नट लग जाएगा। हाथ साइड में करो, दिखाई दे, तुम हटाओ, वहाँ एक आदमी हाथ हटाओ बस। ये देखिए जूम करके दिखा दो वहाँ पे पूरा बड़ा जूम करके। ये लग जाने के बाद क्या है, ये मोटर बाहर नहीं निकलेगी, बस छोड़ दो। ये हम टेम्परेरी डेमो करके दिखा रहे हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा। आगे करो, अब देखिए वो वहीं के वहीं रुक गई। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है, उससे आप बेफिक्र रहिए। अब इसे देखिए हम चला के दिखाएंगे। तार लगाओ इसके, ये रहा कंबाइंड बॉक्स। ये देखिए इसका ये सीट है डाउन और अप, हम इधर डाउन कर रहे हैं। देखिए उसकी पन्नी पकड़ लो, पन्नी निकल जाए। हाँ बस, ये देखिए किस तरह से चलने लग गई। उसे छोड़ दो, नीचे आ जाओ तुम, ये ड्रम हटाओ यहाँ से। तो एकदम चलने के लिए रेडी है, देख पा रहे होंगे ये, और कितनी स्मूथ चल रही है। इसके अंदर एक इमरजेंसी स्विच भी है, हम इसको दबा देंगे कोई बात होगी तो अब ये चलेगा नहीं। देखिए अब प्लस फिर से घुमा के हम खोल देंगे इधर, ये देखिए खुल गया। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मैं इसे अब डेमो करके दिखाता हूँ कुछ उठा के टांग के। खाली अब ट्रॉली ले आके दिखा दो एक, ना ना ड्रम नहीं, ट्रॉली ले आओ। हाँ ये ट्रॉली ले आओ, बल ले आओ। ये देखिए कितने आराम से उठा रही है। अब इसे ट्रॉली को उधर करो, ये देखिए आप माल वहाँ रख दीजिए। अब यहाँ उतार दो माल को आराम से, यानी बहुत ही कम बजट की सौदा है। चारों तरफ से दिखाओ, ये देखिए पीछे लो ट्रॉली को, लो और पीछे लो बस। ये तार छोटा पड़ रहा है, तार थोड़ा बड़ा करो। और ये छोटे मोटे काम करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, यानी आपको 150-100 किलो का काम करना है, 200 किलो तक का काम करने के लिए बहुत ही फायदेमंद कम बजट की है। सर मैं इसको अंदाजन बता देता हूँ, इसका रेट के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, ये सेल्स की टीम के पास डाटा होता है, क्योंकि बहुत सारी वीडियो बनाना होता है। मेरा ज़्यादातर टाइम आप लोगों के लिए जानकारी इकट्ठा करने में और उसकी वीडियो बना के आपके सामने हाजिर करने में ही निकल जाता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो ये सौभाग्य मिल रहा है। आपको डिटेल में जानकारी लेने के लिए इस बोल्ड लाइन नंबर पर कॉल करें और पूरी डिटेल में हमारी सेल्स की टीम से जानकारी लें। और मेरी सेल्स की टीम जो भी गलतियाँ करती हो तो मुझे क्षमा करना, और उसके नंबर के साथ उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना कि भाई ये बंदा ऐसे कर रहा है। बस बाकी की कार्रवाई मुझे करनी है, आप लोगों को कोई कष्ट नहीं आएगा, आप हमारे भगवान है सर, इसलिए प्लीज आप टेंशन मत लेना। तो वीडियो के लास्ट तक बन रही है, देखिए इसको पूरा घुमा के मैं दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए कहाँ तक घूम गया, ये हमारी RCC कटिंग मशीन रखी है, पूरा ये और घूम जाएगा, यानी पूरा ये 180 डिग्री के लगभग में घूम जाएगा मेरे ख्याल से। देखिए 180 डिग्री के लगभग में, देखिए अगर हमारा कोई माल आया है तो हमने यहाँ पे ये उतार दिया, निकाल दिया, हमारा कोई माल आया यहाँ से हमने हुक लगाया और ये लेके हमने टांग लिया, टांग के इसे फटाफट उधर, ये देखिए इधर हमने कर दिया और यहाँ पे माल को उतार दिया। लगाओ तार, लगाओ खास बात, इसमें इमरजेंसी स्विच तो है ही, अगर ये ज़्यादा ऊपर उठ जाएगी तो उसमें टकरा कर रुक जाएगी। देखिए ये मैं पूरा उठा के दिखा रहा हूँ, अपने आप रुक जाएगी, बटन दबा के रखा है मैंने। अब ये उससे आगे टच होने पे अपने आप बंद हो गई, जूम करके दिखा देना, एकदम देखिए एकदम बंद हो गई, और नीचे करने पे फिर चालू हो जाएगी, यानी ऊपर करेंगे तो टच होके देखिए बंद होगी कैसे। मैंने बटन ये चालू रखा है, दबा रखा है, ये ऊपर का काम नहीं कर रहा पर ये नीचे का काम करने लग जा रहा है। तो बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इधर अंदर से दिखाओ, अंदर की साइड से इधर घुमाओ,
इधर घुमाओ इसे, बस इसका प्लग दबा के रखो, ये प्लग दबाओ, ये देखिए, ये देखिए, अब उधर घुमाओ इसे, बस बहुत ही बेहतरीन और अच्छी नॉलेजेबल चीज़ है ये, जो कि मैंने आपको दिखाया, इसके बारे में बताया। अब इसका तार लगाओ जरा क्लच वाले सिस्टम का, इस मोटर को उठा के ऊपर रखो, इसे उठा के ऊपर रखो यहाँ पे, हाँ इसे उधर घुमा दो। ये एक अभी एक टेम्परेरी टंगा रहेगा, जब भी आप आएंगे तो अब इसी से डेमो करके दिखाएंगे, हमने ये लॉन्च कर दिया है, ये हमेशा ये टंगा हुआ ही रहेगा। और ये बहुत चीज़ें आप खुद भी बना सकते हैं, ज़्यादा काम जाम नहीं है। इसके अंदर देखिए ये कैसे बना हुआ है, पर कुछ इसके हुक वगैरह हैं, अभी एक चीज़ बनाने के लिए क्या मेहनत करनेंगे, पर ये देखिए सब हुक वगैरह लगा हुआ है। और रही बात हम बजट करने के लिए क्या क्या तकनीक काटते हैं, लोग बाग जो VIP होते हैं, अपने VIP टिकट लेके तुरंत कहीं भी लाइन में नहीं लगनी होती, तुरंत चले जाते हैं। पर जो हम मिडिल क्लास के होते हैं तो लंबी लाइन में लगते हैं, उसको बजट करते हैं। तो इसलिए सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं बजट के लिए, तो हम अपना टाइम लगा के हम बजट करने के लिए सोचते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, आपका कम से कम बजट कम से कम खर्चा करेगी। इसे उतारो, इसका तो मैंने दिखा दिया है, उसे ले आओ, वो ले आओ, हाँ क्लच वाली, ये हर जनरेशन की मशीनें होती है। जिस तरह से 2G 3G 4G आता है, 5G आया है, उसी तरह ये मशीनें भी इसी जनरेशन की आती है। पहले 2G थी, फिर 3G था, अब ये फोर्थ जनरेशन की मशीनें आ गई हैं, देख पा रहे होंगे फोर्थ जनरेशन की और एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं। जिस तरह से हमारे जो गाड़ियां होती हैं BX4 BS6 BS7 की, उसी तरह से ये भी अपडेट होती है। इसका तार लगाओ, देखिए ये इंची डेवलप, ये क्लच वाली बींचे चारों तरफ से दिखाओ, ये क्लच भी है इसके अंदर, और ये देखिए किस तरह से वर्क करेगी, ये अभी लपेट रही है। और इसे हम चालू करते हैं, इसके अंदर देखिए तीन तीन पंखे होते हैं, एक पंखा ये चल रहा है, एक पंखा ये चल रहा है, एक ये चल रहा है, एकदम चारों तरफ से देखिए, ये देखिए मैं खोल के दिखा रहा हूँ, ये देखिए, बस ये देखिए लपेट के दिखा रहा हूँ, देखिए हर चीज़ की जानकारी मिल जाएगी आपको एक ही जगह। इसमें भी इमरजेंसी स्विच है, ये मैं हटा के दिखा देता हूँ पन्नी, क्या है हाथ में लेते लेते गंदा हो जाता है, ये देखिए अप एंड डाउन का, ये देखिए कैसे निकल रहा है, और ये देखिए लिपट रहा है, ये देखिए। और ये इसका क्लच है, इसको हम दबाएंगे, इसे खींचो, पकड़ के रखना तो, हाँ ये हम दबाएंगे तब भी ये खुलेगा, देखिए इसकी प्लास्टिक फंस गई है, रुको आप खींचो आराम से खींचो, हाँ खींचो, इसे उधर ही पकड़ लो, ये देखिए ये बिना बिजली के आप खींच सकते थे, वो कहाँ तक गई। अब ये देखो हम लपेट के दिखाएंगे इसको, वापस लपेट के दिखाएंगे, इसमें अब बिजली से लपेट की जा रही है, इधर सामने से दिखाओ, सामने से ये देखिए, ये क्लच वाली बींचे देखिए किस तरह से लपेट रही है, ये बटन से ही बाहर जा सकती है, खींचो, ये हम बटन से देखिए बाहर जा रही है, ये देखिए बटन से बाहर जा रही है, पर हम बटन नहीं दबाएंगे तब भी बाहर जाएगी, इस क्लच के कमाल से देखिए। ये बहुत ही पसंद की जाने वाली चीज़ है, और ये टेक्नोलॉजी आप कहाँ यूज करना चाहते हैं एकदम आपका दिमाग जानता है। और आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, बस मेरे पास आपका संदेश पहुँच जाए, बाकी सोल्यूशन मैं कर दूँगा। ये देखिए खेचो, ये देखिए किस तरह से आगे जा रही है,
बिना बिजली के ये नीचे जाएगी, पर लपेटने के लिए बिजली लगेगी। देखिए, तो इसके बारे में जानकारी दे रहा था। ये 200 से 250 किलो तक की कैपेसिटी है इसकी। ये खाली विंच लेके भी आप अपना जुगाड़ कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि इस तरह से इसका काम कर सकते हैं। बात हमारे पास हर तरह की मशीनरी मिलेगी आपको। मैंने बताया कि बस आप कमेंट कर देना कि संजीव जी बस ये प्रॉब्लम है, उस तरह की मशीन बना के दे देंगे हम। ये पावर ट्रॉवल देख पा रहे होंगे, ये टैंपिंग रेमर देख पा रहे होंगे, दुर्मस मशीन है ये आरसीसी कटिंग मशीन है, रिंग मेकिंग, रिंग बेंडिंग, हर तरह की मशीनें हैं। और ये मैंने आपको जो दिखाया, ये आपको बहुत ही सस्ते में लॉन्च करके दिखाया। इस चीज़ को लेंगे तो ये मात्र आपको मैं मोटा मोटी अंदाजन दे देता हूँ, उसको आप वो मत समझना कि सर ने इतना रेट दिया था। 15 से 20 हज़ार की रेंज में ये चीज़ आपको शुरुआत से मिल जाएगी, और 15 से 20 हज़ार में एक मंकी लिफ्ट तैयार, ये विदाउट ट्रॉली बता रहा हूँ मोटा मोटी। बताइए कितने कम बजट में एक ये मंकी लिफ्ट तैयार। आप इसको बालकोनी में लगा सकते हैं, तीसरी मंजिल पे लगा सकते हैं, अगर आपका स्टोर है, साड़ियाँ चढ़ानी है तो उसमें लगा सकते हैं, किराना स्टोर है, माल जगह कम है, आपने ऊपर बना रखा है सामान रखने के लिए, स्टोर बना रखा है उसमें लगा सकते हैं। यानी ये बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है आपके। जी एकदम, मैं लिख के दे सकता हूँ। और किशन जी का नाम लेकर सारे काम करते रहिए, पॉजिटिविटी रखिए, कर भला तो हो भला एकदम इसका ध्यान रखिए, पॉजिटिविटी रह के सकारात्मक होकर खुश होकर कोई सभी काम करेंगे तो सारे काम आपके आसान हो जाएंगे। तो कैसी लगी ये मशीन है, और कैसा लगा ये विंच, और कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका, मुझे पर्सनली कमेंट कर बताएं। और किस चीज़ पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए मुझे पर्सनली कमेंट कर बताएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराई से नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।